हाय एवरीवन कैसे हैं सभी मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही कंट्रोवर्शियल सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं तुक्का लगाने की एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक निंजा टेक्निक जिससे आज की बात आप जब भी तुक्का लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के सही जवाब दे पाओगे सो so, मेरा तो बस यही कहना है तुक्का ऐसा लगाओ कि चार लोग जो हैं वो हैरान हो जाएं और उन चार लोगों से ज़्यादा मार्क्स भी आप लेकर के आ जाओ देखो ये बहुत ही कॉन्ट्रवर्शल टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम यार आपको तो पढ़ाना चाहिए ना आप आप हमें तुक्का लगाने के बारे में क्यों बता रहे हो आप पढ़ा दो हमें अच्छे से तो देखो बेटा तुक्का लगाना भी ना कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्क जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप देखो ज़ाहिर सी बात है हम प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं एंड कहीं ना कहीं आपने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आप भी कहीं ना कहीं इस ट्रिक को जानना चाहते हो कि यार तुक्का मैं कैसे लगाऊं ताकि ना मेरा आंसर जो है वो सटीक रहे जो मैं जितनी

आप जो है पूरा पेपर तुक्के से करके आ जाओ और आपको पूरे नंबर मिलेंगे नहीं मैं यहां पर आपको एक्चुअली बताने वाली हूं टेक्निक सही तरीके से तुक्का लगाने की ताकि अगर आप नॉर्मली तुक्का लगाओ सोचो अगर आपने पांच सवालों में तुक्का लगाया तो आप अपनी जो जनरल तुक्का लगाते हो जय माता दी जो तुम करके आते हो उसमें पांच में से एक तुम्हारा सवाल सही लगता है बाकी चार गलत करके आते हो अब ये जो मैं टेक्निक्स बताऊंगी इस वीडियो के अंदर तो उससे क्या होगा कि आप जो तुक्का लगा रहे हो आपको सही तरीके से पता होगा कहां तुक्का लगाना है कहा नहीं लगाना है कब लगाना है कैसे लगाना है ताकि तुम पांच सवाल करके आ रहे हो तो अब इस तरीके से तुक्का लगाओगे तो आपके चार सही होंगे और जो रिस्क लेते ना आप, कि भाई तुक्का सही हो, तो हो तो कम कम ना आपका ठीक है सो so, उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ठीक है ये वीडियो आप पूरा जरूर देखो और उसके एंड तक मैं आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कब कहां कैसे ज्यादा से ज्यादा

टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले ना कि हमारे पास वो कौन से कौन से टाइप्स होंगे तो देखो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते होंगे क्वेश्चन है ना पेपर के अंदर एक होता होगा बहुत ही ईजी लेवल इजी लेवल क्वेश्चन कैसा होता है ये वो लेजी लेवल क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको जिनको क्या जिनको देखते ही आंसर दिमाग में आ जाता है ठीक है जिनको देखते ही आंसर जो है दिमाग में आ जाता है ठीक है तो ये एक ऐसे होते हैं अब इजी लेवल तो बहुत आसान है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने जैसे ही क्वेश्चन पेपर को रीड करना चालू किया आपने एकदम से देखा कि अरे यार ये क्वेश्चन इसका तो खट से आंसर आपको पता चल गया अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है और उसके अंदर आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो आपने क्वेश्चन रीड करते ही बोल दिया भाई इसका आंसर तो ऑप्शन बी है तो ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है ठीक है तो आप यहां पर तो क्या है देखते ही आप आंसर जो है सॉल्व वो कर देते हो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन से मॉडरेट लेवल मतलब वैसा होता है जिस क्वेश्चन को है ना क्वेश्चन अगर सॉल्व करो तो आंसर मिल जाएगा है ना तो ये वैसे होते हैं ठीक है ये वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि ना देखते के साथ आंसर नहीं मिलता कि आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आप सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन ना मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा मुश्किल नहीं लग रहा है ठीक है मुश्किल नहीं है इतना आसान भी नहीं है बीच के लेवल का है है ना कि ऐसा इतना आसान भी नहीं कि देखते के साथ अरे इसका आंसर ये है वो भी नहीं लेकिन हाँ सॉल्व करूंगा तो हो जाना चाहिए ठीक है अब फिर आता है आपके पास एक ऐसा लेवल एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट लगता है जिसमें हमारे उड़ते हैं तोते जो हमें समझ में नहीं आता कि सॉल्व कर लूं क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा सॉल्व क्या करूंगा ऑप्शन ही नहीं पता अपने को तो हम सॉल्व ही क्या करें तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास कुछ फंस जाते हैं तो अब इस केस में करना क्या है बेटा इस केस में हमको तुक्का लगाना पड़ता है है ना ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे और देखो आप कितनी तैयारी करके जाओगे प्रैक्टिस करके जाओगे तो होता क्या है कि आप ना आपको अधिकतर जो क्वेश्चन है वो कैसे मिलेंगे अब सोचो अगर हमारा सीई का पेपर है मैं उसके बारे में बात करूँ तो आपके पास पचास क्वेश्चन आते हैं ना क्या होता है आपके पास वहां पर फिफ्टी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनमें से आपको कोई

बहुत ईजी लगे देखते आंसर मिल गया है ना अब बीस के बाद आपको दस क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिसके अंदर क्या हुआ जो आपको लगा कि यार सॉल्व करूंगा तो आंसर मिल जाएगा लेकिन आपसे दस क्वेश्चन ऐसे फंस गए कि अब यहां आप सोच रहे हो कि यार ये मुझे ना आंसर नहीं मिल रहा है

नेगेटिव मार्किंग जिसके अंदर नेगेटिव मार्क्स आपको दिए ही नहीं जाएंगे ठीक है आप गलत जवाब दो सही जवाब दो सही जवाब पे तो प्लस होगा लेकिन नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे और दूसरा आपका एग्जाम कैसा होगा जिसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अभी कौन से कौन से एग्जाम है देखो ये आपका क्लास ट्वेल्व का एग्जाम हो सकता है है ना ये आपका क्लास ट्वेल्व का एग्जाम हो सकता है इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ये आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सकते हैं जैसे कि सी यू टी इसके अंदर आपका नेगेटिव मार्क होता है जैसे कि मैंने अभी बताया है ना जैसे कि अभी हमने देखा था माइनस वन सो अब क्या करना है टाइप ऑफ एग्जाम में कैसे आपके तुक्के लगने चाहिए बेटा जहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ तो धड़ल्ले से तुक्के लगाओ भाई तो जय माता दी करते चले जाओ लेकिन सही तरीके से है ना और अगर सोचो है ना सही तरीके से क्या होगा देखो खोने के लिए हमारे हाथ में कुछ है नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्क है नहीं अब अगर आपके सामने पांच क्वेश्चन आ गए क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर चलो चार क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गए आपने इसमें तुक्का लगाया सही गया इसमें गलत हो गया इसमें गलत हो गया इसमें गलत हो गया तो क्या हो गया आपके पास पांच नंबर तो मिल गए नेगेटिव मार्क्स तो नहीं गए पांच तो मिले है ना एक सवाल के पांच नंबर तो मिल गए तो खोने को कुछ नहीं है अब नेगेटिव मार्किंग में क्या हो जाता है कि आपके पास अगर चार सवाल हैं आपने इसका सही जवाब दे दिया

तो ट्रिक नंबर वन जो है ट्रिक नंबर वन सबसे पहले ये है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी एंड डी और किसी भी ऑप्शन में अगर आपको बोला गया है ऑल ऑफ द अब सो यहां पर नाइन्टी फाइव परसेंट चांस हो जाता है कि ऑल ऑफ द अबव जो है ठीक है ऑल ऑफ द अबव जो है यही सही जवाब है ठीक है यही सही आंसर ये आपके पास एक पूरा का पूरा क्या हो जाता है आपके पास यहाँ पर 95 परसेंट चांस हो जाता है अब आप बोलोगे मैम ये कैसे कह सकते हो आप 95 परसेंट बेटा बहुत सारी बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है इसके लिए अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे मॉडल टेस्ट पेपर उठा करके कर देखोगे कर कर कर, आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा है ना अनालिसिस करोगे आप पीछे पिछले सालों के दस पंद्रह सालों के अगर आप क्वेश्चन उठा करके देखो क्लास ट्वेल्थ के या किसी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तो आप देख पाओगे कि जितनी बाहर ऑप्शन में आपको कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन डी बी सी कहीं भी दे सकते हैं लेकिन ऑल ऑफ द अब लिखा दिखता है ना

सी और डी चार ऑप्शन दे दिए पर कोई ऑप्शन जो है वो बोलेगा नन ऑफ द अबव की ऊपर वाले में से कोई भी नहीं है तो बेटा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जहां पे नन ऑफ द अबव लिखा आता है तो यहां पर केवल पांच परसेंट चांस होता है कि यही सही है यही सही आंसर है ठीक है अब यहां पे यानी कि यानी कि बहुत कम चांसेस हैं यानी कि अगर नन ऑफ द अबव आपको मिलता है और आप उसको चूज करते हो तो बेटा ज्यादातर क्या है ज्यादातर यही ऑप्शन है आपके पास बचा हुआ 95 परसेंट क्या है आपके पास बचा हुआ 95 परसेंट यही है कि आंसर गलत हो सकता है तो यानी कि नन ऑफ द दब चूज करना नहीं है तो जहां पर भी आपको देखने को मिले ना तो आपको क्या सोचना है तो आपको यहाँ पे सोचना है कि यार ये तो मेरा सही जवाब नहीं हो सकता इसको सबसे पहले हटाओ सही जवाब मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगा ऑप्शन ए बी या सी में से कहीं मिलेगा अब आपको जो तुक्का है उतने में ही लगाना है ठीक है तो वो फिर क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा उसके हिसाब से आप समझ करके लगाओगे तो ये समझ के चलो ऑल ऑफ द अब 95 परसेंट वही आंसर निकलता है लेकिन अगर ये लिखा आ जाए तो भाई 95 परसेंट टाइम ये गलत होगा इसको चूज करना नहीं है ठीक है चलो तो ये तो हमारी हो गई ट्रिक ट्रिक नंबर टू अब हम आते हैं हमारे ट्रिक नंबर थ्री के ऊपर तो ट्रिक नंबर जो थ्री है वो क्या बोलती है ट्रिक नंबर थ्री बोलती है एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में ठीक है बच्चा यही लगा करके कई बार बहुत आसानी से सटीक तरीके से आंसर निकाल करके आता है भाई फुल प्रूफ ट्रिक है ये ठीक है हम लोग तो बल्कि वोकैब जब बच्चों को सिखाते हैं ठीक है जब जब आपको वोकैबलरी की ट्रेनिंग दी जाती है तो और या फिर ग्रामर वगैरह के लिए भी जब क्लासेस दी जाती हैं चाहे आप एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो चाहे एस देने जा रहे हो सी देने जा रहे हो एलिमिनेशन मेथड बहुत सिखाया जाता है क्योंकि यहाँ से आप सही जवाब पे पहुंच सकते हो अब क्या है आपके ना या तो क्वेश्चन देखो सही जवाब ढूंढ लो या फिर आप क्वेश्चन देख करके सोचो कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता ए नहीं हो सकता बी नहीं हो सकता तो बचा सी तो यही होगा तो इस तरीके से भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है और ये बहुत ही फुल प्रूफ टेक्निक है आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है बेटा और आपको पता है कि क्वेश्चन का ये जो आंसर है आपको यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए ये दे रखा है आपको ऑप्शन बी ये दे रखा है आपको ऑप्शन सी और ये दे रखा है आपको ऑप्शन डी तो आप ना क्वेश्चन पढ़ करके कई बार सही जवाब नहीं पता होता लेकिन ये तो दिमाग में आई जाता है कि यार ये तो बिल्कुल गलत है ये तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकता है ना ये गलत है ये भी बिल्कुल हो ही नहीं सकता यानी कि बी और सी में से ही कोई होगा तो यहाँ पे आपका जो खेलने का क्षेत्र है वो छोटा हो गया ज्यादा जो गलती करने के जो चांसेस है वो कम हो गए गलती करने के, या गलत आंसर पे जाने के कम हो गए तो अब आपका रिस्क कम हो गया है. ठीक है तो ये आप एक मेथड अपना सकते हो भाई एलिमिनेशन मेथड कई बार मैं बताऊं मैंने भी अपने एग्जाम्स में भी बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कैट वगैरह ये सब मैंने क्लियर किया था तो उसमें भी क्या हुआ था उसमें भी मैंने ये वाला जो प्रो मेथड है ये अपनाया है एलिमिनेशन कई बार सही जवाब नहीं मिलता है, तो ये तो पता चल ही जाता है दिमाग में कि ये तो बिल्कुल गलत है ये तो होगा ही नहीं ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा बचा ये तो यही आंसर होना चाहिए सो एलिमिनेशन मेथड इज़ वन ऑफ द मतलब मोस्ट यूजड मैथड्स ठीक है फुल प्रूफ मेथड में आता है ये चलो इसके बाद हम एक आते हैं हमारी जो ट्रिक नंबर फोर है वो है बेटा एक्सट्रीम वैल्यूज ठीक है एक्सट्रीम वैल्यूज अब एक्सट्रीम वैल्यूज क्या कहता है कई बार आपको ना क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलता होगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया और चार ऑप्शन आपको दे दिए गए अब चार ऑप्शन में ना एक तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ऑप्शन दिया जाता है जैसे कि पहला ऑप्शन दे दिया टू दूसरा ऑप्शन दे दिया सिक्स तीसरा ऑप्शन दे दिया फोर और ये ऑप्शन दे दिया वन हंड्रेड एंड एट तो अब क्या हुआ कि बेटा अब आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना आसपास की रेंज में लाई कर रही है ये जो है, ये ये कहीं कहीं ना कही पास की रेंज में है ये तो एकदम ही ब्रह्मांड के पार है ना अभी तक हम सिंगल डिजिट में बात कर रहे हैं ढाई साढ़े छह चार के करीब अभी तक हम लोग है ना वन टू टेन के यहाँ पे क्लोज क्लोज ऑप्शन है ये क्लोज क्लोज रेंज में है अब ये जो वैल्यू दी गई है ये एक्सट्रीम रेंज में चली गई यानी कि ये तो कतई आपका जवाब नहीं है तो ये तो आपको बिल्कुल ही कैंसिल कर देना है कि ये तो मेरा आंसर है नहीं आंसर मेरे को यहीं कहीं से मिलेगा तो आप यहाँ पे इस तरीके से इस मेथड को लगा सकते हो एक्सट्रीम वैल्यू मेथड को कि एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो कई बार आपको एग्जाम में पक्का दी जाती होंगी तो वो तो बिल्कुल चूज नहीं करनी होती क्योंकि वो एकदम ही ग्राफ से वो एकदम ही रेंज से बाहर जा रही है आंसर इसी रेंज में कहीं है वो तो आप थोड़ा बहुत सॉल्व भी करेंगे तो जिस रेंज के पास लाई कर पाओगे वहाँ से भी बच्चे निकाली लेते हैं कि आपने सॉल्व किया आपको आंसर मिल रहा है के करीब तो हो सकता है कि 2.3 हो है ना वो भी हम लोग देख लेते हैं पर ये एक्सट्रीम रेंज तो बिल्कुल भी नहीं होता है तो ये है आपकी ट्रिक नंबर फोर आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अब इसके बाद हम आते हैं हमारी ट्रिक नंबर फाइव पर ठीक है 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 अब ट्रिक ट्रिक नंबर नंबर जो है, वो क्या कहती बात करती है, सिमिलर के बारे में कि कई बार बेटा क्या होता है कई बार हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है कि भाई ऑप्शन जो जो दे रखे हैं क्वेश्चन ये है लेकिन ऑप्शन हमें ऑप्शन ए दे रखा है वो बोल रहा है साइन है ना साइन थीटा ऑप्शन बी जो है सोचो वो बोल रहा है माइनस साइन थीटा ऑप्शन सी जो है वो बोल रहा है थीटा ऑप्शन डी जो है वो बोल रहा है पैंतीस ठीक है आपको ये जवाब दिए गए तो आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि कई बार ही सिमिलर ऑप्शन यानी कि ये दो देखो दोनों जो ऑप्शन है वो सेम है बस क्या है साइन थीटा के बारे में बात करें बस उसको नेगेटिव और पॉजिटिव कर दिया गया सो so, यानी कि कई बार ना आंसर जो है वो इनमें से ही बीच में किसी में होता है यानी कि ये और ये तो नहीं होगा ठीक है दिस इज ऑल्सो नाइन्टी फाइव परसेंट प्रूवन की आपको सिमिलर ऑप्शन जब दिए जाते हैं तो आंसर ना वो एक्चुअल में टेक्निक ही, ही होती है कि आपको ना सही जवाब के जैसा ही मिलता हुआ एक दूसरा जवाब दिया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो तो यानी कि सिमिलर ऑप्शन में ही आंसर होता है इन दोनों में से ही कोई एक सही आंसर

लिख के दे सकती हूँ गारंटीड आपने भी फील करा होगा लेकिन हम सुनते नहीं हैं ठीक है क्या नहीं सुनते हैं किस बारे में बात कर रही हूँ मैं तो मैं बात कर रही हूँ एक्चुअल में हमारी गट फीलिंग के बारे में भाई पता है क्या होता है गट फीलिंग होती क्या है और ये गट फीलिंग कैसे काम करती है इसके पीछे ना थोड़ा सा साइंस है उसके बारे में बात करते हैं तुम बोलो कि इंग्लिश की टीचर साइंस के बारे में बात कर रही है बट हाँ ठीक है साइंस पता है क्या है कि कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं ना जैसे कि मैंने आप लोगों को भी एक वीडियो बनाई थी कि आप रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो ठीक है मैंने उसके बारे में बात किया था तो रीडिंग स्किल्स के बारे में जब मैंने बात किया था तो मैंने आपको बताया था कि बेटा कई बार जब हम रीड कर रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि जितना भी हमने पढ़ा है वो कई बार हमें ऐसा लगता है याद नहीं रहेगा ऐसा नहीं है जितना भी हम पढ़ रहे होते हैं जो भी डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं जो भी है ना चीजें हम अपने दिमाग में डाल रहे हैं वो कई बार तो एक्टिवली हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है लेकिन जो चीजें हमें लगता है ना कि हम भूल गए बेटा वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पीछे की तरफ स्टोर जरूर रहती है दिमाग कुछ भूलता नहीं है चीजें रहती हैं कहीं ना कहीं इतने उभर के वो शायद आपके दिमाग में नहीं आती होंगी क्योंकि वो पीछे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में खट्टी हो जाती है तो गट फीलिंग पता है वही होती है एक्चुअल में आप क्या करते हो आप कई बार ना कोई एक चीज रीड करके गए हो आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ किया आपने कुछ रीड किया ठीक है तो आपको एक्टिवली उसका कुछ एक पॉइंट याद रह गया आपको बहुत अच्छे से याद रह गया कि इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है इसका फॉर्मुलाइन

लेकिन आपने ना कुछ क्वेश्चन देखे देखे आपने नजरे डाली तो कई बार क्या होता है कि वो जो डेटा है वो सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर है अब आप जब क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो कई बार ना क्वेश्चन पेपर देखते के साथ हमारी गट फीलिंग एकदम से आती है वो बहुत थोड़े समय के लिए आती है बहुत ध्यान देना पड़ता है उस बात पे बहुत थोड़े समय के लिए आती है लेकिन हमारा दिमाग जो है ना हमें वो सिग्नल दे रहा होता है वो सबकॉन्शियस माइंड ना हल्का सा ना उस चीज को उस चीज पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा होता है कि ये मैंने देखा था ऐसा सवाल मैंने देखा था इसका ऑप्शन भी होना चाहिए लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए आती है वो एक से डेढ़ सेकंड दो सेकंड में नहीं एक से डेढ़ सेकंड की होती है वो यूं जाती है तो अगर आपने उस गट फीलिंग को समझ लिया ना पहचान गए तो वो एक्चुअल में हमारे आपके ब्रेन का सिग्नल था जो सबकॉन्शियस माइंड आपको दे रहा था क्योंकि उसने आपने शायद उसको इतने ध्यान से नहीं पढ़ा तो इसलिए आपके कॉन्शियस माइंड में आपको याद नहीं आ रहा है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने है ना वो तो चलता रहता है भाई उसने उसको नोट कर लिया था तो उसको याद है कि ऐसा कहीं उसने क्वेश्चन देखा था ठीक है जो आपने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा पर उसको याद है कि इसका ऑप्शन बी था तो वो गट फीलिंग को आपको थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको लगता है तो आप देखना आपको ना एक सेकंड में थोड़ा सा एक ऐसा फील होगा कि यार इसका ऑप्शन बी लग रहा है और वो बहुत छोटे समय के लाते उसके बाद क्योंकि ना हम अपना जो कॉन्शियस माइंड है ना वो हम सोचने लग जाते हैं कि अरे नहीं, नहीं एक बार सवाल ढंग से पढ़ लेता हूँ इस सवाल में ये लिखा हुआ है अरे यार इसका ना शायद सी हो सकता है तो क्या होता है कि हम ना फिर उसको रैशनलाइज उस चीज को क्या उस चीज़ को ना थोड़ा सोच समझ के सही जवाब पे पहुंचने की कोशिश के चक्कर में हम कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि ये होना चाहिए ये पर लेकिन हमेशा याद रखना कि गट फीलिंग जो है ना कई बार हमें वो जो ब्रेन है वो जरूर सिग्नल जरूर देता है हमें इस चीज का कई बार वो एक अचानक से पर वो बहुत छोटा होता है तो आप लोग को थोड़ा सा वो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको क्वेश्चन देख रहे हो और अगर आपको अचानक से वो छोटी से सिग्नल पे अगर आपने वो बहुत कम समय के लिए जो सिग्नल है उस पर अगर आपने ध्यान दिया तो कई बार वही एंड मोस्ट ऑफ द एट्टी परसेंट टाइम्स वो जो है वो सही निकलता है आंसर ठीक है क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने डेटा स्टोर कर रखा होता है ठीक है बट उस पर ध्यान देने की जरूरत है तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है तो गट फीलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो नेचुरल प्रोसेस ठीक है जो तुक्का का तुक्के में यूज किया जाता है सो so आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सिक्स है अब हम बात करते हैं एक और सेवेंथ हमारे के कहते हैं सेवंथ ऑप्शन की ठीक है सो ये जो सेवंथ ट्रिक है बेटा ये ट्रिक भी जुड़ी हुई है एक्चुअल में सिक्स ट्रिक के साथ और ये ट्रिक बोलती है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा ठीक है प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ना आपको गट फीलिंग तभी आएगी जब आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने पूरा सोचा आपके पास ये आपने ये भाई डेढ़ सौ दो सौ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डाले ठीक है या फिर आपने पूरे पांच सौ क्वेश्चन की सीरीज ले ली है ना तो आपने पूरे पांच सौ क्वेश्चन की सीरीज कर डाली आपने वो प्रैक्टिस कर लिया तो प्रैक्टिस करने से एक तो फायदा क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कम आएंगे यानी कि जब पेपर में देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगेगा कि यार ये तो इजी है देखते के साथ आंसर पता है कुछ एकादक क्वेश्चन मॉडरेट लगेंगे कि यार इसे सॉल्व करूंगा तो मिल जाएगा और बहुत कम चांसेस होंगे कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे और अगर डिफिकल्ट लगता भी है कोई क्वेश्चन तो आपने इतना सारा रीड कर रखा होगा इतनी सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी कि कॉन्शियस माइंड ने एक्टिव नॉलेज तो स्टोर करी एक्टिव डेटा तो रखा लेकिन सबकॉन्शियस माइंड भी चल रहा होता है तो सबकॉन्शियस माइंड ने कहीं ना कहीं उसने भी डेटा स्कोर जो डेटा है वो क्या कहते हैं कंज्यूम किया था तो उसने वो डेटा जो है वो भी कहीं ना कहीं स्टोर कर रखा है तो आप जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप जब क्वेश्चन पेपर में बैठोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है गट फीलिंग जिसको हम बोल रहे हैं वो भी काम करेगी तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा है इसका ऑप्शन तो ए होना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस देखो आपके एक्टिव परफॉर्मेंस पर भी है ना जो आप एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो उसको भी इंप्रूव करेगी और तुक्के में भी मदद कर ही देती है क्योंकि कई बार हम जब करते करते पढ़ते पढ़ते एक अदा चीज़ हमारे दिमाग में चली जाती है जो एकदम से याद आ जाती है दिमाग कब उठा के हमारे नजरों के सामने डाल देता है तो हमें पता ही नहीं चलता तो एकदम से लगने लग जाता है कि यार ये कहीं तो देखा था पता नहीं याद नहीं आ रहा है लेकिन लग रहा है इसका आंसर भी होना चाहिए सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपको अगर यहां पे डाउट आता है कि मैम मैं कैसे इतने सारे क्वेश्चन सीरीज तो मुझे मिलती ही नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या करूँ तो उसके लिए सबसे बेस्ट है यार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप डाउनलोड कर लो ठीक है एंड सबसे इंपॉर्टेंट संकल्प बैच अभी चल रहा है जिसके अंदर हम सीईटी की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को ठीक है क्लास ट्वेल्व प्लस सीवीटी तो आप वो बैच में जुड़ सकते हो और स्पेशल हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी उस बैच में जुड़ सकते हैं बहुत ही कम रेट पर ठीक है आप ये जो स्पेशल कोड है हमारा ठीक है इस स्पेशल कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आप जो कि है वाई आठ सौ तीस इस कोड का इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम ठीक है मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा मैं थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो है ना मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हो वाई आठ तो सौ तीस और इस मैक्सिमम डिस्काउंट को पा करके बहुत ही बहुत ही कम क्या कहते हैं आ, फी दे करके आप एक बहुत ही बढ़िया बैच में एनरोल हो सकते हो जहाँ पे आपको पाँच सौ नहीं आपको हजारों क्वेश्चन टेस्ट सीरीज मॉडल टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट और पी वाई क्यू सब कुछ मिलेगा ठीक है तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुक्का तो लगाने में भी आपको मदद होने वाली है ठीक है चलो एंड इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन एक बहुत ही ऐसे दिल से जुड़ी हुई आ, ट्रिक अगर मैं आपको बताऊँ जो कि बहुत एनालाइज करके दी गई है ठीक है तो एट्थ एत...

होते हैं ऑप्शन ए बी सी और डी तो अधिकतर 95 परसेंट चांस है कि बी या सी में से ही सही जवाब मिलता है ठीक है 95 परसेंट राइट आंसर इनमें से ही होता है ठीक है वो लोग बहुत बहुत सारे पेपर्स को बेटा साइंटिफिकली प्रूवन है ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं मैंने भी पता है इस बात को पढ़ने के बाद मैंने बहुत जगह पर चीजें पढ़ी हैं पढ़ करके बहुत अच्छे से रिसर्च करके मैं ये ट्रिक्स आपके सामने लेकर के आई हूं तो ये जो मैंने पढ़ा है इसमें पढ़ करके ही मैं आपको बता रही हूं कि मैंने भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने देखे थे ठीक है क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं एनडीए के हों एस एस सी के हों बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये पता चला है कि भाई अधिकतर जो क्वेश्चन है ना बी या सी ठीक है ऑप्शन बी या सी में से ही होता है कोई एग्जामिनर आपको सबसे पहले ऑप्शन में सही जवाब नहीं देना चाहता है

तो अपना बहुत बड़ा ऐसे ब्रह्मास्त्र मैंने तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया है अब लेकिन इसका सही तरीके से सदउपयोग करना आपके हाथ में ठीक है है ना तो इसका सदसदयोग करना आपके हाथ में अब इस चीज का इस नॉलेज का इस्तेमाल सिर्फ तब करें व्हेन रिक्वायर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ माँ मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है मां क्योंकि आपको बहुत बड़ी शक्ति दी गई है तो इसका थोड़ा अच्छे से यूज करें अच्छे से इसका इस्तेमाल करें सही चीज में इस्तेमाल करें जहां पे आपको देखो ऐसे मत सोचो कि तुक्का लगाना मुझे आ गया तो हर जगह तुक्का ही तुक्का चले जा रहा है बेटा ये नहीं होना चाहिए अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखो तैयारी बहुत अच्छी रखो जहां पे जरूरत

ना वही जो मैंने बताया ना आपके चांसेस गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे कम ही क्वेश्चंस में तुक्के लगाने की कोशिश करो ठीक है तो इतने ही क्वेश्चन का रेंज रखो छह से आठ क्वेश्चन में तुक्के लगा लिए हाँ ठीक है इससे ज्यादा नहीं क्या तुम पूरा पूरा पेपर तुक्के के बेसिस पे दे के आ रहे हो तो इसलिए जो ज्ञान दिया गया है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है ठीक है लेकिन जाहिर सी बात है आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं क्योंकि आपको जानना था ये चीज़ तो आपने अब आप इसको जानने के बाद यूज इट वाइजली डोंट मिस यूज़ इट ठीक है सो so, मेरा नाम है निकिता सिंह अब मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया से सेशन में जहाँ पे आपको लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मैं वीडियोस लेकर के आते रहूंगी ठीक है एंड साथ ही साथ क्लास ट्वेल्थ एंड सी की तैयारी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि संकल्प बैच हमारे सी ई हिंदी मीडियम की टीम लेकर आ चुकी है जिसमें आप एनरोल हो सकते हो अड्डा ट्वेंटी फोर के ऐप पर जा करके एंड ये कोड यूज़ करना मत भूलना वाई इस कोड को इस्तेमाल करके ही आप पा पाएंगे डिस्काउंट तो so, मैं आपसे मिलूंगी अब आप अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच